क्या नाम है तेरा? तुझे क्या करना है? तेरा नाम क्या है? दास, दास। काम क्या करता है? तुम जो करते हो मैं भी वही करता हूँ। हमेशा लड़कियों को ही क्यों टारगेट करते हो? औरतें ज्यादा डरपोक होती हैं। एक आवाज दिया तो सब उतार कर दे देती हैं। उसमें रिस्क भी कम है। अब तक तुमने कितनी औरतों का खून किया है? तू कौन है रे? जो मरी है वो पहचान वाली है या तेरी फैमिली की है? मत मार, मत मार मुझे, मत मार। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मत मार। बोल। मलेश्वरम में दो औरतों का स्केच बनाया था। वहां गया तो माँ बेटी दोनों ही थी। मैंने उनसे सारे गहने उतारने को कहा तो उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मैंने दोनों का गला काट दिया। मुझे बता। सब होना चाहिए। ये सब मुझसे छिन चुका है और इसके जैसे न जाने कितने लोग हैं, यह मुझे नहीं पता, मगर जिस दिन मेरे हाथ लगे वो उनका आखिरी दिन। सर, कोई मुझे बांध के बहुत टॉर्चर कर रहा है। प्लीज सर, हेल्प कीजिए। हेल्प चाहिए? हाँ सर। सॉरी, रॉन्ग नंबर। प्लीज सर, छोड़ो। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पुलिस वाले ही ऐसा पूछते हैं। क्या तुम लोग भी पुलिस वाले हो? हे, क्वेश्चन पूछने वाले भी क्वेश्चन करता है, बता। सिंगापुर से गोल्ड लोड हुआ था, उसे हैंडओवर करने के लिए मैं एयरपोर्ट गया था। फ्लाइट लेट हो गई थी तो माल मेरे पास ही रह गया था। ब्लैक मार्केट में गोल्ड क्यों डील करते हो? वो इतना आसान नहीं है। उस काम के लिए एजेंट लोग होते हैं। गोल्ड हैंडओवर किए तो डील खत्म करके पैसे देते हैं। गोल्ड मुझे चाहिए। देगा कि नहीं? दूंगा, मैं दूंगा। मुझे छोड़ दोगे ना? मेरे मोबाइल में गुंटूर शेखर का नंबर है, उसे डायल करके मुझे दो। हेलो, हाँ क्या हुआ दास? बहुत दिनों के बाद याद किया तुमने। कैसे हो? ए, मेरी बात सुन। हाँ हाँ, समझ गया। सियारपुरम ना आदमी, उस दिन के माल को लेके अपने अड्डे पे आ जा। मेरा कोई आदमी बाइक लेके वहाँ पहुँचेगा, उसे हैंडओवर कर देना। कोई सवाल मत करना, चुपचाप माल उसे दे देना। चल जल्दी से आ जा। अरे सुनो, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी सर्दी हो गई है रे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। उसकी चिंता मत कर, वो माल हमें डील करना है। तुम जिस एजेंट को जानते हो, नया कस्टमर है बोलकर मीटिंग फिक्स करवाओ। फिक्स करवा दिया तो मुझे छोड़ दोगे ना? सवाल जितना कम पूछेगा उम्र तेरी उतनी बढ़ेगी। नंबर कनेक्शन से हमें कोई फायदा नहीं है।
हम जैसे ढूंढ रहे हैं वो तो मिला नहीं। ये रॉन्ग कनेक्शन नहीं, क्रॉस कनेक्शन है। ये गोल्ड मार्केट में कैसे ट्रेवल होता है अगर फॉलो करेंगे तो कोई क्लू मिल सकता है। तो फिर इसका क्या करें हम? मैंने तुमसे एसीपी अशोक का नंबर मांगा था, वो दो तो। हाँ, देता हूँ। चल अंगूठा लगा, अंगूठा लगा। ए, रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चल ए, अरे घबरा मत, मैं हूं ना यहाँ पर, तू बेकार में रो रहा है यार। ए, अपना अंगूठा लगा। आ? अपना अंगूठा लगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, कानून के बारे में मुझे भी पता है। जब मेरा वकील यहाँ पर आएगा, वो मुझे बोलेगा, तो मैं अंगूठा क्या सर भी लगा दूंगा। ए, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू रो मत। ए, चुप हो जा। ओहो, बाल्टी भर आइस, आपको क्या लगा ये देखकर मैं कांपने लग जाऊंगा? ए, सुन लो, 3 साल, पूरे 3 साल मैं हिमालय में रहकर आया हूँ। हाँ, सर इसका नाम दास है, यही मल्लेश्वर में मां बेटी के डबल मर्डर केस का सस्पेक्ट है सर। वो कैमरा नहीं। सब घर की धन लक्ष्मी इसी बैग में है का? कोई ग्राहक को तो देखो ना मूर्ति। ग्राहक ही रेंज में? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उसके बाद पानी पूरी का गाड़ी लगा के जीऊंगा, कहूंगा तो कोई बैल भी नहीं देगा। मार्केट में रहने वाले रामलाल सेठ, कुपाइया, इनसे भी नहीं होगा क्या? तब पहले ही पूरा मार्केट छान कर आए हो। अरे का हो मुरली, इन पर भरोसा कर सकते हो का? कर सकता हूँ। हेलो, आईडी नंबर 206573। कहाँ हो? यहाँ बंगलुरु में। नया है या पुराना? भैया सब नया ही है। 8 किलो 830 ग्राम है। इतना ज्यादा वजन हम अपना पूरा लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, मेरे कहने तक अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। ठीक है भैया, तुम्हें फोन आएगा। ठीक है, वेट करना। बहुत बढ़िया। ठीक है, कहा हो बॉडी बिल्डर, इनमें कोई लफड़ा तो नहीं है ना? बूझ लेना भाई, बहुत खतरनाक है। राइट हैंड से सेक हैंड करके लेफ्ट हैंड से चीता जलाता है। माल पक्का है और दास का आदमी है तो लफड़ा क्या होगा भाई? कहा हो भैया, एक के डील में लाइफ को सेट करना चाहते हो का? ये भी एक तरह का सेटलमेंट है। ऐसा फैंसी आइटम हम अपना लाइफ में नहीं देखा। भाई तुम लोग कुछ भी करो, पर हमारा कमीशन ईमानदारी से दे देना। वैसे तुम लोग हो कौन? इस फील्ड में हम तुमको कभी नहीं देखा। मैं कौन हूं? रियलिटी को देखने वाली नजर को बदलने जैसी मेरी आइडेंटिटी भी बदल जाएगी। पैदा करने वाले के लिए बेटा, बड़े लोगों के लिए भाई, साथ देने वालों के लिए फ्रेंड, हाथ पकड़ने वालों के लिए लाइफ पार्टनर, इतने सारे रोल्स के बीच में मैं रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है?
हकीकत में मेरा नाम है संजय रामास्वामी। सब लोग मुझे प्यार से संजू कहते हैं। प्रगति एड्स में क्रिएटिव डायरेक्टर की नौकरी करता हूँ और ये है रवि शेयर्स। बॉस, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ ये देखकर उसे जलन हो रही है, इतना तो आपके समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन वो मेरा जिगरी दोस्त है, ये है मेरी फ्यूचर में होने वाली धर्म पत्नी। इसका नाम गीता नहीं है, प्रेरणा है। पहले तो ये एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन हुई थी, लेकिन अब मेरे सपनों की क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई है। अब इनसे मिली है, जिन्होंने 5 साल मुझे प्यार किया, 10 साल मुझे मारने लगे, मेरी मूछें आने तक मेरे बेस्ट फ्रेंड बनकर रहे। और कोई नहीं, जो कुर्सी पर बैठे हैं मेरे पिताजी रामास्वामी, हेड कांस्टेबल में काम करते हैं, मुझे इंस्पेक्टर बनाने के लिए जिद पकड़े हुए थे। बेचारे सावित्री, आ रही हूँ। मदर इंडिया, पिताजी हेड कांस्टेबल थे तो ये कमिश्नर थी। कार्तिक जल्दी उठो बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। सोने दो ना। कार्तिक मेरी मदर इंडिया का प्यारा सन इंडिया, पिताजी का फ्यूचर इंस्पेक्टर, और मेरे लिए ए, अरे उठ, क्या कर रहा है, कितना सोएगा भैया? उठता हूं, इतनी देर कोई सोता है क्या? अरे उठ रहा हूं, चल जल्दी उठ, चल। आने वाले युग का अंत, आने वाले युग का अंत। युग का अंत नहीं है, यही है हमारी रानी सावित्री देवी और रामास्वामी की एक छोटी सी दुनिया। बड़ी बड़ी आशाएं नहीं है, सब छोटे छोटे सपने ही हैं। द सीक्रेट बिहाइंड मिडिल क्लास फैमिली की हाई क्लास खुशियां। पापा आप खाइए ना, वो तो ऐसा ही है। अब तक छोड़ता ही आया हूँ, इसीलिए वो ऐसा हो गया। अरे रुक जा। कार्तिक, ए कार्तिक, इधर आओ, बैठो, वहाँ बैठो, प्लेट दो इधर, खाओ, बैठ कर खाओ। इस उम्र में भी अब तुम्हें चंदा मामा की लोरी सुनकर खाना खाना है? सुनिए जी, बच्चे को खाते वक्त नहीं डांटते। ये बच्चा रह गया है, 2 साल में इसे अब IPS का एग्जाम लिखना है। डिसिप्लिन नहीं सीखेगा तो कैसे चलेगा? तुमने इसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। ए, वो क्या देख रहे हो, खाना खाओ। पापा कल बाहर जाने का कोई प्रोग्राम मत रखिएगा, मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ली है। ए, और तू भी कॉलेज में चल, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करेंगे किस चीज के लिए? क्या पापा आप भी, कल आपकी और मम्मी की शादी को 30 साल पूरे हो जाएंगे। वो दिन क्यों याद दिला रहा है? माँ ये लो। क्या कहा आपने? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ए, हंस क्या रहे हो, खाना खाओ। बेटा संजू, ये सेलिब्रेशन वगैरह मत करो, बिना वजह खर्च होगा। अभी अभी तो त्योहार गया है ना। माँ आपको नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए, क्या बोलता है? हाँ भैया बिल्कुल चाहिए। देखो मैंने ये सेलिब्रेशन करने के लिए 25,000 रूपए सेव करके रखे हैं, और आपके लिए सरप्राइज भी है। सरप्राइज है? मैं कॉफी लेके आती हूँ। हाँ थोड़ी सी, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। ओ तब तक घर पर ही हो? ठीक है, बाइक का क्या हुआ? घर पर बात की या नहीं? अभी तक नहीं पूछा। कब पूछोगे? कम ऑन कार्तिक, मेरे सभी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स के पास बाइक है। 2 दिन पहले ही उनमें से एक कपल लॉन्ग ड्राइव पर गया था, उन्होंने सेल्फी भी पोस्ट की थी। कितने सारे लाइक्स मिले थे उन्हें। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप करती हूँ। ओह नो, आई टोटली फॉरगॉट, तुम्हारा तो फोन डब्बा है, व्हाट्सएप कहाँ से होगा? प्लीज कार्तिक अपग्रेड। देखो ये सब इतना इजी नहीं है। प्लीज कार्तिक डोंट लेट मी डाउन इन दिस नाउ। मेरी हर एक फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव पर जाती है, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को भी कभी जाना चाहिए? तो जल्दी से कुछ करो ना स्वीटी पाई। ठीक है। ओके, कॉलेज में मिलते हैं, लव यू, बाय। ओए तेरे पास बाइक है क्या? तो फिर जाना, मुझे क्या दिख रहा है? वो सब तो ठीक है, मेरी गिफ्ट कहाँ है? पापा न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम करते हो आप? आपको 5 किलो न्यूज़पेपर गिफ्ट कर देता हूँ। देख लो कार्तिक अपने भाई को, सिर्फ माँ को गिफ्ट दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दे रहा है ये। पापा एक्चुअली मुझे एक बाइक चाहिए। मुझे भी एक बाइक चाहिए। पापा मुझे सच में एक बाइक चाहिए। क्यों चाहिए? तुम्हारा भाई रोज तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता है। कॉलेज में सब अपनी बाइक और कार से आते हैं पापा। कॉलेज में पढ़ाने के लिए भाई ने जो कर्ज लिया है वो तो इसने अभी तक चुकाया नहीं है, अब तुम्हें बाइक भी चाहिए? पापा कॉलेज में मैं बाइक से नहीं जाता हूँ तो सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बिना बाइक के मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। बस सुबह सुबह तुमने शुरू कर दिया। सुनिए शांत रहिए,
ए कार्तिक, तुम्हें बाइक चाहिए ना? एक मिनट रुक। ए संजू, इस सेलिब्रेशन के लिए जो तुमने पैसे रखे है ना, उसमें और कुछ पैसे जोड़कर अपने छोटे भाई कार्तिक को इसकी पसंद की बाइक तुझसे दिला दे बेटा। माँ, जिसका रेसिपी बाइक चाहिए मुझे। दिलवा दे। माँ, ये जो बाइक मांग रहा है उसकी कीमत जानती हो? कितनी है? शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस और फैंसी नंबर मिलाकर तकरीबन 150,000 के आसपास होगी। क्या कहा, 1,50,000 रुपए? ए बाप रे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, ए फिलहाल तू कोई सिंपल सी बाइक ले ले। माँ प्लीज, माँ आज बुक करेंगे तो डिलीवरी हो जाएगी 2 दिन में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पापा छोड़िए ना पापा। कार्तिक, मैं ऑफिस से लोन अप्लाई करता हूँ, थोड़ा वेट कर लेने। अरे लेने दो ना माँ, मैं तो सिर्फ चेक करता हूँ। तू हमेशा उसकी जिद पूरी करता है। इसने तो इसे और बिगाड़ के रखा। कितना मांग रहा है? 1,500,000? सर वो मुझे, हाँ ठीक है, ले लो ले लो ले लो। और सुनो, सारे एक्स्ट्रा फिटिंग्स लगवा लेना, समझी? ठीक है, ओके बाय, लव यू। सर झुनझुनवाला के प्रोजेक्ट का नया कॉन्सेप्ट। सुपर, ओह ब्यूटीफुल आई से, ओह फैंटास्टिक, किसने बनाया ये? संजू का आइडिया सर। कीप इट, मस्त प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ तुम कुछ कह रहे थे संजय? सर मुझे 2,00,000 रुपए का लोन चाहिए। किसने बनाया ये प्रोजेक्ट? डिब्बा कचरा है ये। अभी अभी तो ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलकर तारीफ कर रहे थे। हाँ कहा था, पर अभी समझ में आया ये। अगर ऐसा प्रोजेक्ट मैंने लिया ना तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेकार प्रोजेक्ट। हाँ तो संजय क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं सर, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ उसे? उसकी भी आंखें खुल गई। वो कैसे? सुसु करके मच्छी पकड़ने वाला ओके, लेकिन मच्छी पकड़ने के लिए सुसु करता है उसके सामने प्रॉब्लम नहीं बोलने का, और थोड़ी देर रुका तो मेरी जेब में सुसु कर देगा। सुसु मछली के बीच क्या संबंध? स्टूडेंट्स मेक श्योर टू नोट डाउन द फॉर्मूला रिटन ऑन द बोर्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, it is the intrinsic property of any element or a metal or any other substance that opposes the flow of current or electricity through it. James, it means James, the electrical resistivity of the material that is also known as specific electrical resistance. Ek bar dikhana please, chup re, dikha na yaar. Are tu bhi yaar, a material opposes the flow of electric current. Kaisa mast hai yaar, ये फोन मुझे दे सकता है क्या? तू खरीदेगा तो दे दूंगा। कितने में लेगा? मैंने 45 में लिया था, तू खरीदेगा तो 20 में दे दूंगा। सुनना, 2,000 महीने के दूंगा चलेगा? 2,500 दूंगा चलेगा ना? जा अपनी सीट पे। चलना। आजकल शहर में चैन स्नेचरों की दहशत बहुत बढ़ गई है। आज सुबह सुबह एक इंसान की हत्या हो गई। शहर के बाहर जेपी रोड पे एक लाश मिली है। पापा, लाश को देखने के बाद पता चलता है पापा, चैन स्नेचर्स ने सिगरेट दीजिए ना पापा। पुलिस जांच पड़ताल में लगी। प्लीज पापा, दिन ब दिन हो रही इन घटनाओं से सिर्फ एक तो दो ना पापा। अच्छा, लोगों को कहना है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। जो दूसरी महिला थी उसे गंभीर रूप से चोट आई। ये क्या पापा, सिर्फ आधी देर अपनी कर दीजिए पापा, मुझे चाहिए। क्या चल रहा है वहाँ? कुछ नहीं चल रहा है। कैमरामैन राम सेवक के साथ एबीटीवी। ये क्या है, सिगरेट पीकर बाप के मुंह पर ही धुआं छोड़ रहे हो? नहीं पापा सॉरी। रोज कितनी पी लेते हो? आप रोज आधा आधा देते रहेंगे तो पूरा पैकेट ही पीना पड़ेगा मुझे। मजाक किया पापा। संजू आज मेरी इच्छा हो रही तुम्हें एक बात बता दूं। हाँ बोलिए ना। ये पकड़। थैंक्स पापा। एक दूंगा ना, फिर पकड़ के रखना इसे। ला। जब जिंदगी में कर्जा ज्यादा हो जाता है तो घर के अंदर शांति कम रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया है, इसीलिए रिटायर होने के बाद भी खुशी से जी रहा हूँ। बीवी की परमिशन लेकर ही मैं घर में 2 पैग पीता हूँ। देखो
ये बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी बनने के बाद से बिगड़ गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये बैंक लोन, ये सब अपने जैसे मिडिल क्लास के लिए नहीं है। बैंक में FD कर दिया है, वो पैसे निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। तुम्हारा भाई जो बाइक मांग रहा है ना, वो उसे दिलवा दो। मगर जल्दबाजी में आकर ये लोन वोन उठाकर जिंदगी की शांति को खोना मत बेटा। वाह, बहुत बढ़िया। किक में क्या मैसेज दिया है? ये मैसेज नहीं है बेटा, जिंदगी का पंच। ठीक है, रुकिए पापा, अपना सिगरेट तो देते जाओ, दो दम तो मारने दीजिए। खत्म करो इसे, खत्म करो। चलो अंदर चलते हैं। अब उठाओ मुझे। उठिए पापा जल्दी, इस उम्र में भी आप मस्त एंजॉय करते हो। पहले ये खत्म कर लो। आप चलो। चलिए पापा। वो दूध वाले को पैसे देने थे बेटा। तुम्हारे पर्स से पैसा चुराकर तेरे भाई को दे रही है, वो देखकर भी तुम यहाँ खड़े होकर हंस रहे। तुम्हारा भाई नसीब वाला है। पापा, हम सब नसीब वाले हैं पापा। सुनिए, ये देखिए। कौन है माँ? ये देखिए, इसके पर्स से लड़की की फोटो निकली है, तो इस लड़की के बारे में इंक्वायरी तो करनी चाहिए ना जी। बहुत सुंदर है। थैंक्स पापा, नाम प्रेरणा है, मेरे साथ ही काम करती है। आप हंस क्यों रहे हैं? पुलिस की तरह इससे उस लड़की के बारे में पूछिए, जल्दी करिए। यस यस। हे, क्या चल रहा है ये सब बताओ। ये सब क्या है पापा? ये सब वो 1 साल 8 महीने 3 हफ्ते और 1 दिन हुआ है पापा। अब चूंकि ये बिल्कुल सच बता रहा है, हमें चुप हो जाना चाहिए। मैडम, मैं फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। तू हमें कब मिलवाएगा हमारी बहू से? माँ। भैया ने 1 महीने में बाइक दिलवाने का प्रॉमिस किया है मुझे। 1 महीना? और फिर 1 महीने के बाद कोई नई स्टोरी बनाओगे तुम? यू नो वॉट, आई एम रियली फेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये घटिया कैंटीन का खाना तुम्हारे भरोसे मैं बाहर जाके खा भी नहीं सकती। शोभा, जितना है उसमें खुश रहना सीखो। तुम्हारे पास है क्या खुश रहने के लिए बताओ? तुम जैसे लोग रिलेशनशिप के लिए नहीं हो। तुम्हारे भरोसे मैं बैठी हूँ। I feel sick about myself। बीच रास्ते में अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। You know what? I'm leaving for class। शोभा, शोभा। चल घर पे छोड़ देता हूँ मैं। नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। अबे सर पे बिठा कर थोड़े ले जाऊंगा। बैठना। जेम्स, तेरे पापा तो ये सारी चीजें दिलवा देते हैं ना? मेरे पापा? हाँ। अरे वो तो पीने के लिए भी कर्जा लेते हैं यार, मुझे क्या दिलवाएंगे। फिर तू कोई पार्ट टाइम जॉब करता है क्या? तेरा मेरा पार्ट टाइम जॉब एक ही है। प्लीज जॉब के बारे में मुझे बताना, मुझे अर्जेंट में बाइक खरीदनी है यार। डोंट वरी, सिर्फ इतना ही ना, धीरे धीरे सब ले सकते हैं। ठीक है, मिल जाए। ये दुनिया एक तरह से 5-स्टार होटल के बफे जैसा है, यहाँ सारे आइटम्स मिलते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। समझ गया? इधर आ। कोई पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तूने पूछा था ना, यही है मेरा पार्ट टाइम जॉब। इससे तू मेरे पास जो मोबाइल है ना, 1 नहीं 3 ले सकता। ज़्यादा सोच मत, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। कल मिलता हूँ। महीने के दूंगा, चलेगा? तुम्हारे
तुम्हारे पास है क्या खुश रहने के लिए बताओ? तुम्हारे भरोसे मैं क्यों बैठी हूँ? बीच रास्ते पे अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे ना तो आश्चर्य नहीं होगा। कार्तिक! कार्तिक! हाँ माँ। तुम्हारे लिए मैंने दूध रखी है, पी लो बेटा। ठीक है माँ, पीता हूँ। तुम्हारे पिताजी को सेंट लगाने में टाइम निकल जाएगा। माताजी तो रेडी हो गए लेकिन पिताजी अब तक रेडी हो रहे हैं। उम्र तो 60 की है लेकिन शौक अब तक कम नहीं हुए हैं। आ रहा हूं, रुको। ये हार वगैरह किस लिए है? पापा, हमने आपकी शादी नहीं देखी है ना, इसीलिए। तो दोबारा शादी कर रहे हो मेरी? लड़की कौन है? वही पड़ोस में रहने वाली पद्मा है। वो पद्मा नहीं है, मारो है। धीरे से बोलिए, अगर माँ ने सुन लिया तो हनीमून कैंसिल। हनीमून की व्यवस्था भी है? तुम्हारे पापा का ओल्ड एज में भी वोल्टेज कम नहीं हुआ। चलिए पापा, इमली सूख जाए पर कटाई नहीं जाती। अच्छा, चलिए आइए। क्या बात है, तेरे बाप को आज कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। आराम से, आराम से। जल्दबाजी में आप गमछा डालना ही भूल गए। आ जाओ। ये लीजिए। हाँ, अब ठीक है, बहुत पहना लीजिए। हे, लीजिए। हे, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो? उठो। ये सब क्या है बेटा? उस भगवान ने मुझे माँ बाप नहीं दिए लेकिन उनकी कमी आप लोगों से पूरी कर दी उसने। कार्तिक ले आओ। क्या है बेटा? माँ, ये कार्तिक और मैं। अब मैं कहाँ हूँ इसमें? पापा, ये चयन आप हो पापा। तब तो फिर ठीक है। तूने मुझे मारा? इसमें मैंने ही इसे ले मारा। इसके बदले उसे जो बाइक चाहिए थी वही दिलवा देता बेटा। माँ, ऑफिस से मेरा लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। पापा की एफडी मैच्योर होती है, वो दिलवाएंगे ऐसा बोले हैं। तब तक तो ये वेट कर लेगा। क्यों रे? ठीक है भैया, ये लीजिए पापा, पहले चैन पहनाइए। अरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुहूर्त निकलने से पहले मंगलसूत्र पहना दीजिए जल्दी। पहनाइए पापा, चलिए। ये लो। ये। भैया कहाँ है? माँ वो चला गया, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मैंने तुम्हारे लिए पैसे रखे हैं, जाओ ले लो तुम और आज बस से चले जाओ। माँ मुझे बस से नहीं जाना, मैं कितनी बार बोलूँ आपसे? बस से नहीं जाओगे? एक दिन बस में जाने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पहले बस आने का वेट करो फिर उसमें धक्के खाते हुए लटकते हुए जाओ, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। माँ कितनी बार कहूँ कि मुझे बाइक दिलवा दो? तू बड़ा अंबानी का बेटा है क्या जो 1.5 लाख की बाइक में ही जाएगा? तुम्हारे भाई के पास जो बाइक है वैसी वाली मांग, मैं कल ही दिलवा दूंगा। मुझे सिर्फ जिक्सर बाइक ही चाहिए। ए, तुझे इतनी महंगी बाइक चाहिए, तेरे भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तू खुद ही सोच कार्तिक। बस मेरे लिए पैसे नहीं है, इनको एलईडी टीवी और तुम्हें सोने की चेन दिलवाई ना भाई ने, ये सब बेच कर बाइक दिलवा दो मुझे। थप्पड़ लगाऊंगा अभी। अरे सुनिए, बच्चे को कोई डांटता है क्या? बच्चा है ये बच्चा, यही बोल बोलकर इसे बिगाड़ा है तुमने, यूज़लेस फेलो। ए, एक कार्तिक, कार्तिक सुनिए जी, हमें चाहे कितना भी कष्ट हो उसे जो बाइक चाहिए आप उसे दिलवा दीजिए प्लीज। सावित्री, तुम शायद जानती नहीं हो, बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए लेकिन हद से ज्यादा नहीं। थोड़े दिनों के बाद वो खुद समझ लेगा, तुम चुप रहो। आईफोन, आईपैड, घड़ी, बाइक्स, मैं इसे बर्मा बाजार दिखता हूँ क्या? क्या है भाई ये सब? ये सब मुझे चाहिए, तू मेरा साथ देगा क्या? नहीं तो मैं खुद ही कर लूंगा। वेलकम टू माई वर्ल्ड। टेंशन हो रही है क्या? थोड़ी सी। पहले पहले ऐसा होता है, थोड़ी टेंशन होती है। क्राइम में सबसे सिंपल क्राइम है चैन स्नेचिंग, इतना सिंपल कि बाहर आने का चांस बना रहता है।
सो ग्राउंड वर्क थोड़ा अपने को ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे बात पर ध्यान दे, हम जो प्लान करते हैं उस स्पॉट पे हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। स्पॉट के आजू बाजू हर गली हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वहाँ के लोगों को हमारी गाड़ी का कोई आइडिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें आसानी से चेस कर सकते हैं। स्पॉट से पुलिस स्टेशन कम से कम आधा घंटा दूर होना चाहिए। एरिया कैसा भी हो सब चलता है, लेकिन वहाँ का मूवमेंट्स पता होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, हमारा टारगेट लेडीज होती है, उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए, तभी हम उनके गले में आसानी से हाथ डालकर चेन खींच सकते हैं। जो हिल पहनती है उन्हें लेडीज को सेलेक्ट करना चाहिए, इससे चेन खींचने के बाद वो हमारा पीछा नहीं कर सकती। और उनके साथ जो भी हो उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होना चाहिए। बस इतना ही ब्रो, सिंपल एंड ईजी। अब आगे के लिए तैयार हो जाओ, समझ गए? इस औरत को मैंने पिछले एक हफ्ते से ऑब्जर्व किया है, अपने मकसद के लिए परफेक्ट है। बॉब, खुला है दरवाजा, तू कभी भी आ सकता है। हाय बॉब, कैसे हो, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एक निवाला खाने के लिए, एक बूंद पीने के लिए, छोटा सा कपड़ा पहनने के लिए, बस जीने के लिए। कौन है तू? अरे बता कौन है तू, कहाँ से आया है तू? जान प्यारी है तो यहाँ क्यों आया? आया है तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। हे बॉब, ये मेरा दोस्त है यार, कार्तिक नाम है, नया है। हे चैन दे इसे। कैसा है चैन? दोस्ती में किया अगर तूने धोखा, मिलेगा मौका तो मारूंगा चौका। तू मुझे कट कर रहा है। मानी 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 को फोन करो। मानी भाई, मैं जेम्स बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मैं पिलारिटी से आया हूँ। नहीं देगा बोल रहा है, अपने फ्रेंड कार्तिक के बारे में बताया था ना? हाँ भाई, ठीक है भाई, कल लेकर आता हूँ। ठीक है, फोन दे उसे। देता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये कॉमेडी टाइम है क्या? ए, ये मेरे ही आदमी है, उन्हें जो चाहिए देख ले। चंदे नया लड़का, इसे छोड़ देता हूँ, कल तुझे देख लूंगा। अंडरस्टैंड? यस बॉस। अबे कौन है यार ये, इसको चेन क्यों दे दी? हम चेन आसानी से छीन तो सकते हैं, लेकिन हम उसे आसानी से डील नहीं कर सकते और ना ही उसे बेच सकते हैं। ये सारे काम यही करता है, 30-40% रखकर बाकी का हमें दे देते हैं। बेंगलुरु का चुराया हुआ सारा चेन यहीं पर आता है, मगर ये लोग चेन का क्या करते हैं ये तो मैं भी नहीं जान पाया। लेकिन ये जो पैसा है वो बॉस। कौन है ये? बॉस मेरा फ्रेंड कार्तिक है, नया। मणि से कह देना कि किसी को भी अंदर मत भेजा करे। ओके बॉस। एक तो हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा, अगर फाउंडेशन को कुछ हुआ तो मुश्किल होगी। जी। ए, गाड़ी बढ़ा। कौन है यार ये? किंग पिन, सारे दो नंबर के धंधे का बिग बॉस, बिलाल नाम है। Come on darling, आजा आजा, sitting darling, आजा आजा, दूसरा क्या काम है मुझे और तुझे, बता। Come on darling, आजा आजा। इतना कम क्यों? 4×1=4, 4×2=8, इतना ही है हिसाब बराबर। ये लो। हे
आना तो आना फिर मेरे साथ आना। फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट क्लास पास हुआ है, ये पैसे तेरे, एंजॉय करो। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुबह तैयार है ना, मणि भाई से मिलने जाना है। बाय, जस्ट हिट इट, हंसते हुए जाओ यार। माँ के लिए गोल्ड चेन, भाई के लिए बाइक, मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हारे लिए मैं हूँ ना? हाँ, तुम हो। ये डायलॉग तो मैं बचपन से सुनते सुनते पक गई हूँ। कोई और नया बहाना है तो बताओ। अच्छा ठीक है, क्या चाहिए बोलो। एक लैम्बोर्गिनी कन्वर्टिबल, 6000 स्क्वायर फीट फुली फर्निश्ड विला, प्राइवेट जेट, और जब भी मैं बोर हो जाऊँ तो क्रूज पे जाने के लिए पैसे होने चाहिए। अच्छा, एक मिनट इसे पकड़ो, मैं जाकर ले आता हूँ। ये सब होगा तो खुशी से ज्यादा हमें टेंशन ही रहेगा। मुझे प्यार करने के लिए तुम हो ना बस। I love you darling, but I hate you। वो क्यों? और नहीं तो क्या, तुम्हारे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी और तुमने मुझे अपने घर पे भी नहीं बुलाया। हमारे बारे में जानते हैं ना वो लोग, मेरी फोटो देखकर उन लोगों ने मुझे पसंद किया, तो फिर मुझे अपने घर लेके नहीं जा सकते? अरे मैं तो अच्छे टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? हे पगली, वैसी कोई बात नहीं है। ये बात नहीं, वो बात नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, इस बार मुझे घर जाना है बस। ओके, इस वीकेंड पर ले जाऊंगा। रियली? यस। हे, लव यू, लव यू सो मच। अरे बॉस बुला रहे हैं। प्रेरणा, कल मेरे मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है तो तुम आओगी? हेलो, ये मनी थोड़ा अजीब कैरेक्टर का है, टेंशन मत लेना। क्या डराता रहता है सबको, अपना ही आदमी है, चल ना यार। चल ना, क्या देख रहे? हाय जेम्स। बॉस। कौन है ये, नाम क्या है इसका? मेरा फ्रेंड कार्तिक है, कल से मेरे साथ ही घूम रहा है। हाँ वो तो दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया फ्यूचर है इसका। कौन है यार ये? इसका नाम टैटू तिरुपति है, अपने मनी भाई का बहुत ही खास आदमी। अपनी जिंदगी में जितना चैन स्नैचिंग करते हैं उतने टैटू बनवाते हैं अपने शरीर पर। नशे के ओवरडोज से शरीर ऐसा हो गया इनका, अब बिल्कुल काम नहीं करता। मैं अभी आता हूँ। भाई कल फोन पर बताया था ना कार्तिक, उसे लेकर आया हूँ मैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जबरदस्त किया उसने, आगे मेरे साथ पार्टनर बन के काम करेगा। आप एक बार ओके कर दो फिर उसे अपने साथ रख लेना। थीफ और रॉबर में क्या फर्क है? थीफ एंड रॉबर में क्या फर्क है? The thief is someone who secretly steals from the victim and victim knows about it after some time. A robber is someone who not only steals from the victim but also causes physical damage to the victim. English, लगता है गूगल का विकिपीडिया तेरे दिमाग में है। रेलवे स्टेशन पे एक आदमी रोमांटिक तरीके से फोन पे अपनी बीवी से बात कर रहा था, अचानक उसका सूटकेस गायब हो जाता है। अरे मेरा सूटकेस, मेरा सूटकेस, मेरे पास ही था, कोई देखा है क्या? हेल्प, पुलिस 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 पुलिस। जैसे मट्ठे में से बाल स्मूथली निकालते हैं ना, वैसे उसके सूटकेस को गायब करना कहलाता है थीव। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा चैन ले लीजिए, घर में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, प्लीज प्लीज सर प्लीज। ऐसे किसी के दिल को दहलाकर जो सब कुछ छीन लेता है उसे रॉबर कहते हैं। उन दोनों के सेंटर में रहते हैं हम। चेन स्नेचर, उन्हें खा रहा है मेरा शिकारी गैंग। नमस्ते भाई। बिलाल ने फोन किया था, लास्ट वीक 76, इस वीक बस 48, धंधा कम क्यों हुआ? सॉरी भाई, आषाढ़ का महीना है, फंक्शन कम होते हैं आजकल, अगले हफ्ते 60 का टारगेट पूरा कर देंगे। शिकार कैसे करना है जरा इसे भी सिखाओ।
वेलकम टू माय गैंग। पहले नाखून काट ले। चेन खींचते वक्त लड़की के शरीर में एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। सारी लेडीज हमारे लिए लक्ष्मी है। जब तक वो लोग कॉस्टली चेन पहनती रहेंगी, हमारा धंधा सेफली चलता रहेगा। हम लोग क्राइम करते रहते हैं, लेकिन थोड़े एथिक्स और नियम का भी पालन करते हैं। अगर हम कभी पुलिस से पकड़े गए तो मैंने घर में आईफोन मांगा था, आईपैड मांगा था, बाइक मांगी थी, ऐसी कहानी बना के वहां से निकलना होता है। लेकिन अगर मनी नाम का एक आदमी है, सारा स्केच वही बनाता है, चोरी का माल उसी के हाथ में जाता है, अगर ये बताया ना। वैसे तुझे हिटलर पसंद है या गांधी जी? गांधी दादा। क्यों? क्योंकि नोट में उनका ही फोटो होता है। ए तिरुपति, सुना क्या? सुन लिया स्मार्ट बॉय। पैसा, मनी इज एवरीथिंग। जिसके पास पैसा होता है वही इस दुनिया को चला सकता है। लोग उसी के कदम चूमते हैं। तो अब से मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अरे रुको ना, इसे कितनी बार समझाओ। अरे रुको ना डार्लिंग, एक मिनट के लिए रुको ना। अरे मुझे तुमसे बात करनी है, रुको ना एक मिनट। ए लोफर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे फॉलो मत किया करो। मुझे पागल बोलो, सनकी बोलो, ठरकी बोलो, लफंगा बोलो, चलेगा, फिर भी मैं तुम्हें फॉलो करता ही रहूंगा। आई लव यू। थू, तेरा चेहरा देख के मुझे उल्टी आती है। अभी से उल्टी मत करो डार्लिंग, शादी के बाद उल्टी करोगी तो चलेगा, अभी करोगी तो खामखा लोगों को शक होगा। तुझे शर्म नहीं आती क्या? दोनों चप्पल से मारूंगी तुझे। अरे ये क्या कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें एटीएम के गार्ड की तरह सिक्योरिटी दे रहा हूँ। आईने में अपनी शक्ल देखिए, मेरा बाप मेरा सिक्योरिटी है। कौन? तेरा बाप? जो शाम होते ही पीने के लिए बैठ जाता है और खा खा करके लुढ़क जाता है, वो तेरी सिक्योरिटी करेगा? अरे मैं हूँ तेरा सिक्योरिटी, समझ गई ना? हाँ ठीक है, मैं उनके पीछे जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें आई लव यू बोलना पड़ेगा। बोलो भी ना। अरे नहीं, सो बार बोलो भी, जाओ पहले मेरे कपड़ों में चले जाओ। अबे अबे रुक जा। अरे कहाँ भाग रहे हैं? मैं मोटा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा। अबे रुक। क्यों बे, चेन स्नैचिंग करता है, जानता है हम लड़की को वॉच करके कैच करना चाहते हैं, बेवकूफ कहीं के। चल चेन वापस कर दे। इट्स ओके भाई, कूल कूल, कोई बात नहीं, चलेगा। नाइस नाइफ, मैं बात करता हूँ बाद में, जा जा, कोई बात नहीं, बाय। अगली बार इस तरफ मत आना, देख लूंगा। ए मेरी चेन मिली क्या? नहीं, मैं पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वो लोग बहुत तेज थे, दौड़ के भाग गए, नहीं पकड़ पाए। किसने बोला मेरी चेन मिली क्या? वो लोग भाग गए। वो चेन मुझे मेरे पापा ने दिलाई थी। अगर तुम्हारे पापा ने दिए तो 100% वो डुप्लीकेट होगी। अरे उसे छोड़ो, शादी के बाद मैं तुम्हें 24 कैरेट की दिलवाऊंगा। अभी तुम्हें रात में इस तरीके से अकेले नहीं घूमना चाहिए, चलो मेरे साथ चलो। आओ, 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 मुझे मेरी चेन चाहिए। आओ ना, नाराज क्यों हो रही हो, आओ ना। भैया एक दो तीन पूरे आठ हैं। ठीक है मैडम। कितने होंगे? इसका हुआ मैडम 58 रुपए। Thank you.
एक बार इस काम में उतरने के बाद फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। माँ बाप भाई भाभी चाचा चाची दादा दादी ये सारे के सारे रिश्ते तुझे अपने घर में छोड़कर आने होंगे, तभी अपने काम को तू अंजाम दे सकता है। ओके चल चलते हैं। मणि बेंगलुरु की तरह स्मार्ट चेन स्नेचर मुंबई में तो है नहीं, छोटा मोटा धंधा करते हैं सिर्फ खर्च के लिए, मगर इससे कोई खास कमाई नहीं होती। बांद्रा अली से मैंने बात की है, उसने डन किया है। तुम सिर्फ एक बार ओके बोल दो, मैं तुम्हें 50 लाख एडवांस दूंगा, क्या कहते हो? तुम्हारा गैंग इंडिया में बेस्ट है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है। अपने गैंग की एक टीम मुझे दे दो, एक एक महीना एक एक स्टेट। तुम बेंगलुरु में बैठकर आराम से पैसे लेते रहना और मजे करते रहना। आप कुछ बात करने वाले थे? मजाक कर रहे हो क्या मणि? मजाक करने के लिए तू कोई जोकर है या मेरी साली है? तुम एक अच्छी डील मिस कर रहे हो मणि। चोरी करने वालों को उम्मीद रहनी चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत इजी और सेफ क्राइम है। लाभ तो कम है लेकिन हमारा बिजनेस आराम से चल रहा है। लोकल में कोई काम हो तो बता। क्या हुआ मणि? मुंबई में रहते थे तब तो मशीन की तरह काम करते रहते थे तुम, बेंगलुरु आने के बाद पाव की तरह नरम कैसे हो गए? जिंदगी जीने की उम्मीदें जाग गई हैं या फिर पुलिस का डर मन में बैठ गया है? पता है ये क्या है? श्रीलंका में एक जाति का कोबरा पाया जाता है, उसकी बॉडी से निकाला हुआ जहर है। नशे के लिए 0.5 ही बहुत होता है, अगर 10 ml चढ़ा दिया तो एक हफ्ते तक आदमी सोया रहता है। अगर ये तुझे चढ़ा दिया तो तू अपनी जान को खुद ही सर्च करता रहेगा चारों तरफ। अब तो चुपचाप यहाँ से जाएगा या अपनी जान को ढूंढने का इरादा है तेरा? मणि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जो आदमी पैसों के पीछे पागल होना उसे नहीं बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अब जो बोलता हूँ वो सुन, तेरी डील मुझे नहीं चाहिए। फोन दिलवाए एक महीना भी नहीं हुआ, तुम्हें दूसरा फोन चाहिए है? हद हो गई है। ठीक है दिलवाता हूँ हाँ। अरे भाई रो मत, दिलवाता हूँ हाँ। आई लव यू टू, बाय, बाद में कॉल करता हूँ, बाय 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 बाय। रोज रोज का यही नाटक है। क्यों ब्रो, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अरे यार लड़कियों को मेंटेन करना पाइल से भी ज्यादा पेनफुल होता है ब्रो, जब देखो नया मोबाइल। जब पॉकेट खाली हो तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है भाई। इस महीने बजट वर्कआउट नहीं हुआ तो अपने को डकैती करनी पड़ेगी। सुकड़ा, हाँ? आज का स्कोर क्या? अबे तुझे आईफोन 7 चाहिए ना तो तुझे डकैती करनी ही पड़ेगी। पूरे 44 चेन होंगे, 104 रन बस। कितना भी करो सब वेस्ट है। क्यों यार? जो भी स्कोर करते हैं वो सब मणि को ही तो देते हैं हम। लेकिन सारा प्लान तो मणि का ही होता है ना। सच्चाई ये है कि रिस्क हम लेते हैं। बिलाल एक चेन के पूरे 25,000 देता है, ये बात तूने कही थी ना, तो 104 चेन का कितना होगा? ब्रो 111 बोलने के लिए मैं कितनी बार तड़पता रहता हूँ। और तू 25K के बारे में पूछ रहा है। 26 लाख, और हमको कितने मिलते हैं? सिर्फ 10 लाख, मतलब बैठे बैठे मणि आसानी से हम लोगों से पूरे 16 लाख कमा लेता है। अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें कम से कम 25 लाख रुपए चाहिए। क्या मतलब? मतलब जो मेहनत हम करते हैं उसका पैसा हमें मिलना ही चाहिए। Guys, I have a plan. हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। मणि के बिना हम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। उसका प्लान कितना शार्प होता है तुम्हें पता है ना? तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। इतनी सी बात तो एक बच्चा भी समझ सकता है। कुएं की गहराई जाने बिना उसमें कूदना मूर्खता होती है ब्रो। आज तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझसे एक आईफोन मांगा है, नहीं देगा तो वो किसी और के पास चली जाएगी। तब तू किस कुएं में कूदेगा? पैसा नहीं होगा तो कोई तेरी लाश उठाने के लिए भी नहीं आएगा। गाइस, इस दुनिया का भगवान सिर्फ पैसा ही है, तो सोच लो तुम लोग अपने दम पर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो या फिर उस मणि के सामने हाथ फैलाना चाहते हो। फैसला तुम्हें करना है, ध्यान से सोचना। गाइस, अगर तुम लोगों ने मान लिया तो हम साथ में मिलकर काम करेंगे, नहीं तो ये फिर मेरा प्लान है, मैं अकेले कर लूंगा।
ने कहा था ना कि मणि के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज ये जिगर और सिंगा कितना बड़ा बम्पर ऑफर लेकर आए हैं तुझे पता है? ब्रो ब्रो, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मेरी बात समझ। तो सारा बात उसे पहुंचा दे, बाकी वो देख लेगा। मेरी बात समझ ब्रो, गलती मत कर वरना मुसीबत हो सकती है ब्रो, प्लीज ब्रो मेरी बात समझ। है बकवास बंद कर, अब मणि के सामने हाथ जोड़ने का टाइम चला गया। अब टाइम भी हमारा है और पैसा भी हमारा है, ये ठंडा हमारा है, बाइक हमारी है और ये सोना भी हमारा है। इस सिलिकॉन सिटी में हवा भी हमारी ही है, सही बोला ना मैंने? जानता है आज किसकी चैन चुराई हम लोगों ने? बिग आंटी, बिग चैन। अगर तुम लोगों की तकदीर में उस मणि का जूठा खाना ही लिखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैरी ऑन, इट्स ओके। देख सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तुम अड्डे पर आ जा। ओके ओके बाय। ए इधर रुको, साइड में लो इनको, साइड में लो। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया सर। किसकी गाड़ी है? चलो हेलमेट उतारो। सर कहां से आ रहे हो? हमने कुछ नहीं किया सर। चलो हेलमेट उतारो पहले, चलो 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 उतारो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। ए सर क्या चेक करो इसका। सर हमने कुछ नहीं किया सर। चलो फूको और जोर से फूको। ए इसने पी रखी है, साइड में ले गाड़ी। सर हम सर चल 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 चल। सर हम पास में ही रहते हैं सर, ये करके गाड़ी चलाते हैं। नहीं 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 सर, चलो 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 साइड में चलो। सर सर सुनिए, टूटेगा तब पता चलेगा। नहीं नहीं पिया नहीं सर, ऊपर भी पहुंच सकते हो, समझ में आएगा। ए किसकी गाड़ी है? हेलमेट उतारो, हेलमेट उतारो। ऑल अलर्ट 379 अलर्ट 379 अलर्ट। चेन स्नैच करके आरआर नगर से बागा रोड की तरफ गया है। व्हाइट केटीएम दो लड़के हैं, एक ब्लैक शर्ट पहना, दूसरे ने ब्राउन, एक व्हाइट हेलमेट, दूसरे ने ब्राउन हेलमेट। बाइक का नंबर नहीं है। अलर्ट 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 379 अलर्ट। चोरी करके दो लड़के भाग रहे हैं। मेरे बच्चों ने रात को धमाल कर दिया, रात भर सिलिकॉन सिटी की नींद आराम कर रखी थी। हाँ मड़ी भाई, पूरी रात बहुत एक्साइटिंग थी, हमने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। ये चेन 7-8 तोले की होगी भाई। चेन चुराने के बाद सिटी में घूमना नहीं है तुम्हें पता नहीं है? पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, अब पुलिस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। पुलिस के साये से भी दूर रहना है हमें। सर,
तू क्या सोचता हम तेरे टुकड़ों पर पलते हैं? हे कार्तिक, क्या बकरा तू? कुत्ते कंट्रोल कर। तुम लोग कुत्ते ही हो, मेरे कुत्ते हो, इसलिए पुलिस वालों ने तुम्हें अब तक अंदर नहीं डाला है। भाई भाई भाई, मैं समझाता हूँ, मैं समझाऊंगा। भाई प्लीज भाई। बिना मेरे प्लान के तुम लोग छीनने गए तो ऐसा ही होगा। किसने बोला ऐसा करने के लिए? मुझे ओवरटेक करने की कोशिश की तो याद रखो, हाथ काट के भिखमंगा बना दूंगा। अभी वो सब बताना जरूरी है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, ये देख देख बेटा तू। ए कार्तिक, यहाँ प्रेरणा, कार्तिक मेरा छोटा बेटा, और ये तुम्हारी होने वाली भाभी। हाय कार्तिक, ये जरा शर्मिला है, तुम बुरा मत मानना बेटा। तुम भी बुरा मत मानो। हाँ ठीक है ठीक है, वैसा कुछ ठीक है। ये फोटो है ना, जब संजू स्कूल में हनुमान जी बना था ना, उस वक्त का है। ब्रेकिंग न्यूज़, फोटो है ना। बैंगलोर के रिंग रोड में अपने दोस्तों के साथ बात करती हुई खड़ी थी प्रिया नाम की लड़की, जिसने सोने की चेन पहन रखी थी। दो चोर बाइक से आके उसकी चेन छीन के ले गए। ये अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। चेन खींचने की वजह से प्रिया का गला कट गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बह गया। अभी वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। चेन छीनने वाले की उम्र 25 से 30 के बीच की है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। उसने अपना चेहरा हेलमेट से छुपा रखा था, ऐसा पुलिस अधिकारी का कहना है। प्रिया ने जो सोने की चेन पहनी थी, उसकी कीमत 12 लाख रुपए है, ऐसा प्रिया के पिताजी बता रहे हैं। उस चेन में एक लॉकेट भी है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, ऐसा प्रिया के पिताजी का कहना है। इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है, पर उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं मिला है। प्रेरणा, जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एबीटीवी से मैं पूजा, कैमरामैन पहन के बाहर मत घुमा करो। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे सुना ना, इतनी बड़ी बात हो गई और तू अकेले जाएगी? रुक जा, संजू तुम्हें ड्रॉप कर देगा। संजू इसे ड्रॉप कर दे बेटा। बाय बाय आंटी। यस। हाँ बोलिए सर। बड़ी, कल रात जब चेन स्नैच की घटना हुई थी तब तो कहा था? सर आपको तो पता ही है, वो सब छोड़े मुझे सालों हो गए। सर मैं तो अपना एक क्लब ओपन करके ईमानदारी का जीवन जी रहा हूँ। सर सर आप एक बार मेरे क्लब तो आइए ना सर, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। हाँ ओके सर, सही है सर। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके सर। ए, उस लड़की के मैटर में तुम्हारा कोई हाथ है क्या? क्या बोल रहे हैं भाई, आपको बताए बिना आज तक मैंने कोई भी काम किया क्या भाई? मुझे तो आप जानते हैं भाई। तू रात को कहाँ था? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी गया था भाई। ए मणि, ये है चोर, चोर बिल्ली। कल रात को तू कहाँ था? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, बोल कहाँ था? भाई ये हमारे साथ ही था भाई, हम साथ में कार्ड खेल रहे थे। हाँ भाई हम सब साथ में ही थे कल रात। वक्त इतना तेजी से दौड़ रहा है ना पापा,
आपका हाथ पकड़कर मैं स्कूल जाता था। मुझे लग रहा है कि अभी अभी दो ही दिन हुए हैं। और अब कल तुम्हारे बच्चे मेरा हाथ पकड़कर स्कूल जाएंगे। लाइफ बहुत सिंपल है बेटा, पर लोगों को सिंपल लाइफ पसंद नहीं है, इसलिए ज्यादा काम करके टेंशन ले लेते हैं। अरे जी जल्दी जाइए, जब देखो इसे समझाते रहते हैं, जल्दी जाएंगे तभी तो जल्दी वापस आएंगे ना, अब जाइए भी। देखो लाइफ शादी के बाद कैसी होती है ये इसे समझा रहा था। शादी होने के बाद मर्द भीगी बिल्ली बन जाता है बेटा। क्या कहा आपने? बिल्ली। ये देखा है आपने, इसी झाड़ू से मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। चलो बेटा गाड़ी स्टार्ट करो। आप समझ गए। ए, ये भी ले लो बेटा। अरे रुकिए जी, लगता है बारिश होने वाली है, अब छाता लेके जाइए। हम बाइक से जा रहे हैं, बारिश आएगी तो हमें पेड़ के नीचे छुपना पड़ेगा, वो रहने दो। छाता ले जाने को कहा तो इतना गुस्सा। बाय। बाय भी गुस्से में, ठीक है संजू, बाय बेटा। कार्तिक, न्यूज़ देखा क्या? उस लड़की का मामा एक्स एमएलए है, पुलिस वाले बहुत सख्ती बरत रहे हैं, केस भी बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो फिर क्या, अब एमएलए के घर वाले ही टारगेट करने के लिए बचे, एविडेंस मिल गया तो क्या करेगा तू? तू टेंशन मत ले, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। कार्तिक देख, अभी भी समय है, मैं मणि भाई से बात कर लेता हूँ, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ए, मणि कोई गॉडफादर या फिर भगवान है? देखो अगर हम उसका साथ देंगे तो हमें सिर्फ जूठन ही मिलेगा। बटरफ्लाई लॉकर की कीमत 5 लाख रुपए है, डायरेक्ट बिलाल से बात करनी चाहिए, हम खुद डील करेंगे, ज्यादा दिन हमारे पास रहेगा तो इसमें रिस्क है। सॉरी ब्रो, इसमें मुझे मत फंसाओ। हाँ अगर तुम कहो तो मैं मणि से बात कर लेता हूँ। अबे तू मणि का चमचा बनना चाहता है तो बन, हमें तो कार्तिक का प्लान ही मंजूर है, अभी तू बिलाल से बात करना है तो कर लेना। ओहो ये लड़का भी ना कभी अपना रूम साफ नहीं करता है। डुप्लीकेट चाबी हाँ रूम में है। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि उस नंबर पर फोन मत करना, वो फोन मेरे घर पर रहता है, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? तो और क्या करूं मैं, दूसरे फोन पर भी तो रिस्पोंड नहीं करते। जब मेरी मर्जी होगी तभी रिस्पोंड करूंगा। So mean. I want to meet you right now. मैं नहीं मिल सकता, फोन रखो। I want to meet you right now, Karthik. आधे घंटे में आ जाऊंगा, फोन रखो अभी। ब्रो एक तो पहले मामला बहुत सीरियस चल रहा है, इसमें यह सब जरूरी है क्या? क्या कर रहा हूं मैं कार्तिक, मैंने ऐसा क्या किया है? Why are you avoiding me? कार्तिक मैं तुम्हें इतना बोर करती हूं क्या? कार्तिक hey! Shit!
मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ शोभा। हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। सब खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो सारी चीजें मैंने तुमको दी, और चाहिए तुम्हें? रुको देता हूँ, ये लो। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। Just get the hell out of here. हेलो ब्रो, बिलाल ने डील के लिए ओके बोल दिया, लेकिन किसी भी हाल में मनी को पता नहीं चलना चाहिए। कहाँ अभी तो? मैं रास्ते में हूँ, घर जाकर आता हूँ। चेन भी वहीं पर रखी हुई है। ठीक है, जल्दी आ जाओ। मैं क्या करता माँ, मजबूर हो गया था मैं। जो भी चीजें मैंने मांगी वो मुझे टाइम पर आपने नहीं दिलवाई। पिताजी और भाई ने अब तक मेरे लिए क्या किया है माँ? ये घर भी हमारे नाना का है माँ, नहीं तो हम लोग फुटपाथ पर रहते माँ। माँ एक बार बोलो, आप जितना पैसा बोलोगे मैं चुटकियों में आपके सामने लाकर रख दूंगा। सिर्फ एक बार बोलो, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, जितना बोलो उतना। माँ आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। तू मेरा ही बेटा है ना, ऐसा क्यों कर रहा है तू? रुक अभी मत। मामा बाइक के बारे में अपने भाई को मत बताना उसे। ठीक है बाबा, अगर राजा भाई मिला होता ना तो पूरा एरिया कवर हो जाता। दरवाजा खुला है, लाइट्स बंद है, कहाँ चली गई है सावित्री? सावित्री, 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 पापा, सावित्री, सावित्री, भगवान, सावित्री आगे खोलो। परेशान मत हो, जो हुआ सो हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सर यही 16th क्रॉस रोड पे सर, जब अकेले ही तब हुआ लगता है।
हाँ सर, बॉडी के सारे गहने मिलाकर 15 तोला बता रहे हैं सर। हाँ सर, हाँ सर, हाल ही में रिटायर हुए हैं सर, अपने हेड कांस्टेबल रामास्वामी जी, उनकी ही वाइफ है सर। बहुत बुरे तरीके से मारा है सर। एब्सोल्युटली इट्स अ मर्डर फॉर गेन सर। बॉडी के पास कोई भी क्लू नहीं मिली है सर। हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर दिया सर, वो पोस्टमार्टम करवाना, ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा सर। ओके सर। माफ कीजिए, आपको परेशान कर रहा हूँ सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, आपके दस्तखत चाहिए उस पर सर। क्या है रिपोर्ट में लिखा हुआ? अभी वो सब रहने दीजिए ना सर, आप सिर्फ साइन कर दीजिए। जिंदगी ने मुझे सुख के साथ दुख भी दिया है, वो कैसे मरी है ये बात मैं जान नहीं सकता हूँ क्या? बताइए मुझे। ठीक है सर, जिसने खून किया है वो इंसान नहीं है सर। रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो स्कल ब्रेक हुआ है सर, बहुत ब्लीडिंग हुई है। पापा, पापा प्लीज पापा। प्राण निकलने से पहले वो 15 मिनट तक तड़पती रही थी। पापा अपने आप को संभालिए। पापा प्लीज पापा। जब कंफर्म हो गया कि वो मर चुकी तब खूनी शरीर के सारे गहने लेकर वहां से भागा। सर प्लीज कंट्रोल कीजिए सर, अगर आप भी ऐसे बिहेव करेंगे तो घर के बच्चों को कौन संभालेगा? एक्सक्यूज मी प्लीज, यहां साइन करवाइए इसे। लीजिए पापा, साइन कीजिए। ये सब सुनकर आपके दिल को दुख हुआ होगा, हमें माफ कीजिए सर। सर आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, फॉर्मेलिटीज के लिए हमें और विक्टिम के बारे में जानने के लिए सभी फैमिली मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे, तो प्लीज। जिगर, अगर तुम्हारी माँ ने उस दिन किसी को कुछ बता दिया होता ना, तो अब तक तो अपना ब्रो, अपने लिए कोई रिस्क नहीं है। एविडेंस ऐसा लग रहा है कि किसी और ने किया है। मर्डर फॉर गेम एविडेंस पूरा अलग दिखा रहा है। रोहित को मैंने बिलाल के अड्डे पर भेजा है, वो जो बटरफ्लाई डॉलर है और तुम्हारी माँ के गहने सब मिलाकर 3.5 लाख का ऑफर दिया है उसने। चलेगा ना?
संजय रामास्वामी जी का बेटा है। हे, चाय लेकर आओ जरा। यूजुअल सस्पेक्ट्स को बुलाकर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ क्ल्यू मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। हे सर, पूरे 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उधर देखो, वो लास्ट में जो बैठे हैं, उनकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिंग रोड में बात करती हुई खड़ी थी, किसी ने आकर उसकी चेन छीन ली। एमएलए का आदमी है ये, बहुत प्रेशर भी है। 2 दिन पहले ही वो लड़की हॉस्पिटल में मर गई, वही अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इतने महंगे महंगे सोने चांदी के गहने पहनकर रात को औरतें आखिर रोड पर क्यों घूमती हैं? चाय पी। सर, चेन पहनकर मत घूमो, चेन स्नैचिंग होती है ऐसा कह रहे हो। लड़कियां अकेली मत घूमा करो, रेप होता है ऐसा बोल रहे हो। बूढ़े लोग अकेले घर में मत रहो क्योंकि डकैती होती है कह रहे हो। इसका मतलब लड़कियों को और बूढ़ों को जिंदा नहीं रहना चाहिए? बचाने वाले आप लोग ही ऐसा कहेंगे तो आम आदमी को कौन बचाएगा? क्राइम करने वाला फेसबुक ट्विटर में अपडेट करके क्राइम नहीं करता, और हम लोगों को कानून के हिसाब से जो प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है वो हम करते हैं। ए मामा, सब क्लीन है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ के केस में यही है नंबर 1 सस्पेक्ट। अकेली रहने वाली औरतों के घर में घुसकर डाका डालना इसका काम है। मैं इतना जानता हूँ कि अभी तक इसने 2 लोगों को ऊपर भेज दिया है, एविडेंस भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में ऐसे आते जाते हैं जैसे ससुराल में आ रहे हैं। ए मामा, ऐसा झूठा आरोप लगा के क्यों मेरी इज्जत पब्लिक में उतार रहे हो हैं? सिर्फ 2 साल रुको, इस एरिया का MLA बन के आऊंगा और तुम्हें मुझे सलाम करके कुर्सी लाके दोगे। चलता हूँ मामा, फिर मिलेंगे। मुझे वो गोल्ड चाहिए। तुम जिस एजेंट को जानते हो, कहो कि नया कस्टमर आया है, मीटिंग रखो। फिक्स करवा दे, मुझे छोड़ दोगे ना? नंबर, ये गोल्ड मार्केट में कैसे ट्रैवल होता है ये पता चला तो हमें कुछ क्लू मिल सकता है। इन पर भरोसा कर सकते हो का? हाँ बिल्कुल। आपने तो कहा था शाम 10 बजे आ जाएगा। हमारी गाड़ी में अभी 5 मिनट बाकी हैं। अपना बिजनेस में किया हुआ वादा और दिया हुआ टाइम, शार्प मतलब शार्प। क्या शार्प, मच्छरों ने काट काट करके पूरे बॉडी में खुजली मचा रखी है। टाइम 10 o'clock शार्प। कहा गुरु, तुम इनसे बात कर रहे हो? टीपू सुल्तान के जमाने के हैं, तुम इनके सामने अंग्रेजी में बात कर रहे हो। दादा 10 बज गए हैं, तुमको अगर कोई दवाई खानी है तो खा के सो जाओ ना। You idiot, what is your ID? एकदम sharp, ID बताओ। 206573। Who is Murthy? हमें है दादा। Hello, party arrived, okay, तुम मेरे साथ चलो। अरे इसे हमें दो ना। माल हमारा है, जो होगा हमारे सामने होना चाहिए। दूसरा कोई आया है क्या? कोई नहीं आया दादा। चलो। मोदी, while coming back, take care of me. अब वापस आते समय बोल रहे किसे कुछ दे देना। अरे परमिशन लेने के टाइम पे कमीशन देना पड़ेगा क्या? अरे चलो ना तुम लोग यार, बात कर। मूर्ति, हम ही हूँ, हम ही। मूर्ति तो बटला है लेकिन पार्टी बड़ी है। आ जाओ। ए, तुझे नहीं बुलाया, मिडिल मैन है तो हर बात में मिडिल बता। तुम आओ। के हिसाब से ही बेटा है, यहाँ से जाते समय मेरा नंबर लेते हुए जाना, अगली बार डायरेक्ट डील करेंगे। ये छोटे मोटे एजेंट को बताना, यही है मेरी फैक्ट्री। आए हुए सोने को पिघला के उसका बिस्किट बना के फिर से उसकी मार्केटिंग की जाती है। समझ लो जैसे दूध का क्रीम निकाल के फिर से दूध बेचना है।
ए, बस माल को ठीक से चेक कर और मुझे फोन कर। ओके बॉस। अभी तक आप लोगों ने कितनी औरतों को मारा होगा? आ? तुम लोगों की कोई माँ बहन नहीं है क्या? हे मिडिल, हाँ? ये क्या बक रहा है? माँ का सेंटीमेंट, बहन की सेंटीमेंट, ऐसा बिल्डअप दे रहा है? अरे नया लड़का है ना। देख, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, ओनली टू टाइप ऑफ वुमन, एक सोना पहनने वाली और दूसरी पहनने वाली के सोना उतारने वाली। अरे हमने तो अपना हनीमून का प्लान बनाया था, तुम तो शराब करने लगे। अरे फंसा दिया हमको भैया, निकल लो जल्दी। ये तुझे कहां से मिला? भैया ये तो मुझे मड़ी भाई ने दिया था। क्यों क्या हुआ संजू? क्या हुआ? ये माँ का है। कौन है मणि? कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। कॉलोनी थर्ड मैन फोर्थ क्रॉस, वहाँ एक आदमी ने अपनी बीवी को 30 तोले का चेन दिलवाया है। उसका पति अभी बाहर गया है। वो औरत हर रात 10:30 बजे वॉकिंग पे जाती है। जब वो अपने बच्चे के साथ वॉकिंग पे होगी उसी वक्त चेन निकालना है। ध्यान रहे कि उसके शरीर पे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। पानी पीने के जैसा आसानी से छीनना है। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। पहले तू डिसिप्लिन में रहना सीख भाई। वहां इसे ही जाने दो। तुमसे परमिशन नहीं मांग रहे हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद तुमसे परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं। हम अपना काम आज के बाद खुद ही हैंडल करेंगे। तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। जितना था इसमें सब लोट कर दिया है। अब तू चैन के साथ हमेशा के लिए सो जा। ये क्या कर दिया तुमने? अरे क्या कर दिया ये? अरे Thank you.
आज के बाद सारी डील सिर्फ हमारी होगी। हेलो, वो अभी बिजी है बच्चा। मुझे पापा से बात करनी है प्लीज। पर वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकते। क्यों अंकल? जब वो फ्री होंगे तब मैं बात करवा दूंगा, ठीक है? पर आप बोला नहीं। ओके बाय बेटा, बाय। भाई हमका माफ कर दो भाई, हम दिल का मरीज हूँ। आप ऐसा ही घूरते रहोगे तो हमरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप हमरा को माफ नहीं करेंगे तो हम ऐसा ही मर जाएंगे। ए, अरे कोई सर को जूस पिला रे। तुम्हारे साथ जो लड़के आए थे वो लोग कौन है मुझे ये जानना है। भाई माई कसम हम उनको नहीं जानते, बस इतना पता है कि उदास के आदमी है। भाई हम कमीशन के लालच में काम कर दिए, हमको छोड़ दो भाई। सर को जूस दो जल्दी, जूस पियो, पीलो पीलो पियो ना। सबसे पहले जगह से तू ही भागा था ना, तुझे मैं तो सबसे लास्ट में देखूंगा। मेरा सोना जिन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवाया है ना, पहले मुझे उनसे निपटना है। तुम पियो पियो, आराम से पियो। ए, और जूस पिलाओ इसे। ए उठ, ए उठ, ए। अरे ये मनी कौन है? वो जो गिरा है वही मनी है क्या? ए तुम्हारे गैंग के बाकी लोग कहाँ गए ये बताओ। कहाँ गए वो सब लोग? अबे बताता हूँ। आज रात दौलत कॉलोनी में मनी ने एक प्लान बनाया था, हम खुद डील करेंगे। ये कहकर मणि को मार दिया। इसकी तो जान दे दूंगा। नहीं, रुक जा, नहीं, रुक, नहीं, इसे दो दिन छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। डॉलर्स कॉलोनी में कहाँ गया है? कार्तिक। चलो चलकर देखते हैं।
ना तुम लोग, बोल बोला। भाई भाई तुम गरीबी की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए थी भाई। भाई भाई मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। भाई भाई मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की भाई, लेकिन माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। भाई भाई, भाई ये आप क्या कर रहे हो भाई? भाई 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 ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे भाई, छोड़ दो मुझे भाई। नहीं पता।